आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार बच्चों, इस प्रश्न में समान पदों को संयोजित करके मिला करके सरल कीजिए। दिया गया प्रश्न है 3y2 जमा 5y-4 और कोष्टक के बाहर माइनस है 8y-y2-4। सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। ये दिया गया प्रश्न है बच्चों, यहाँ कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है, तो कोष्टक को खोलने के लिए बहुत ध्यान पूर्वक हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले कोष्टक को ही सरल करते हैं। कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह होने का मतलब होता है अंदर जितने भी चिन्ह हैं वो सब बदल दिए जाएंगे, पलट जाएंगे। अब 8y से पहले कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए इसका चिन्ह धनात्मक माना जाएगा। बाहर माइनस है तो इसका चिन्ह बदलकर -8y हो जाएगा। ये माइनस का y2 है, चिन्ह बदलकर प्लस का y2 हो जाएगा। और माइनस के 4 है, चिन्ह बदलकर प्लस के 4 हो जाएंगे। इसके बाद जो समान पद है, अब जैसे ये 3y2, हमें चर राशि देखनी होती है, वो बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, घात भी समान होनी चाहिए, तब हम उन्हें समान पद कहते हैं। जैसे y2 और ये भी y2, तो ये दोनों समान पद हो गए। इनको पहले एक साथ लिख लेते हैं, 3y2 जमा के y2। उसके बाद 5y y/1 है, तो इसके समान पद 8y/1। ये हो गया 5y और -8y, इन्हें भी एक साथ लिख लेते हैं। उसके बाद अचर राशियां माइनस के 4 प्लस के 4। तो बीजगणित में जोड़ घटा का नियम होता है कि सिर्फ समान पद ही जोड़े या घटाए जाते हैं। अब ये दोनों पद समान हैं, दोनों के चिन्ह समान है, इसलिए इन्हें जोड़ा जाएगा। y2 से पहले कोई अंक नहीं है तो 1 मान लिया जाएगा। अब 3 और 1 4, y2 जुगा तो लिखेंगे, ये विपरीत चिन्ह है, इन्हें घटाएंगे, 8 में से 5 घटाएंगे 3। चिन्ह बड़े नंबर का आता है, -3y + 4 -4 दोनों बराबर हैं, तो इन्हें जोड़कर घटाकर 0 आ जाएगा। 4 में से 4 घटाएंगे 0, तो 0 को छोड़ देते हैं। 4y2 - 3y, ये हमारा उत्तर हो जाता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।